विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। धर्म यात्रा की इस कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं इंदौर शहर के जूनी इंदौर क्षेत्र के अनूठे राम मंदिर में। यहाँ राम और लक्ष्मण की मूछों वाली प्रतिमाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह का दुर्लभ मंदिर मध्य प्रदेश में तो संभवतः कहीं नहीं है। लाल मंदिर के नाम से विख्यात इस मंदिर का निर्माण करीब 180 साल पहले यानी संवत 1888 में हुआ था। राम सीता लक्ष्मण के साथ ही इस मंदिर में राधा कृष्ण और गणेश जी की भी मूर्तियां हैं। मंदिर में रामायण और महाभारत से जुड़े प्रसंगों की भी आकर्षक तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ राम के साथ स्वयंभू हनुमान जी भी विराजित हैं। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यह राम मंदिर बनने के करीब 10 साल बाद परिसर में ही स्थित कुएं से निकली थी। यह मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल है। मंदिर के कुएं से सभी धर्म और जाति के लोग पानी भरते हैं। इस मंदिर में पूजा अर्चना का काम पुजारी परिवार देखता है। वर्तमान में मंदिर की पूजा अर्चना कर रहे पंडित गोपाल पुजारी कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी यहाँ पर मूछ वाले हैं। कहते हैं कि लीन मनुज अवतार, भगवान राम का जो अवतार था मनुष्य रूप में था, तो मनुष्य रूप में अवतार होने से उस प्रकार के जब लोग रहे होंगे, 200 वर्ष पुराना जब लोगों का जो भाव रहा होगा, मानव रूप में भगवान को पूजने का था, क्योंकि मानव रूप में भगवान की भक्ति अच्छे से की जा सकती है। और यह लाल मंदिर कुमावतपुरा का जो मंदिर है वास्तव में बहुत पुराना और अतीत परंपराओं को लेकर है। यहाँ पर कई लोग जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, वो भी लोग यहाँ पर आते हैं, उपचार करके जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा प्राकृतिक कुआं भी है जिस कुएं के जल से कई लोग लाभान्वित हुए हैं, और परंपरा से लोग जिसको संतान होने में दिक्कत हो रही वो लोग भी यहाँ पर आकर गोद भराते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो संतान उत्पत्ति भी होती है, बच्चों का संस्कार भी होता है, बच्चे सुरक्षित भी होते हैं, बच्चों को कोई नज़र हो, बच्चों को कोई परेशानी हो या माता को कोई कष्ट हो, तो इस प्रकार के कष्टों का निवारण भी यहाँ पर लाल मंदिर पे होता है। तो ये थे इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र के मूछों वाले राम। अगली बार फिर किसी आस्था के केंद्र पर आपको लेकर चलेंगे। हाँ, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।